दोस्तों दुबई के शेख अमीर होते हैं ये बात तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि इन्हें बहाना चाहिए अपनी दौलत खर्च करने का। जहां किसी के रहने खाने के लिए पैसे नहीं होते, वहीं इन शेखों की अय्याशी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इनके शौक भी ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको दुबई के बेहद ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर दुबई में कोई महिला टैक्सी चलाती है तो उसकी कार का रंग पिंक होता है। जिस तरह अधिकतम देश छुट्टी संडे को मनाते हैं, उसी तरह साप्ताहिक छुट्टी यहाँ शुक्रवार को होती है। यहाँ पर पब्लिक प्लेस में महिला को चूमना और गले लगाना गैर कानूनी समझा जाता है और इसके लिए सजा भी है। दोस्तों दुबई मतलब पैसा और पैसा मतलब सोना यानी गोल्ड। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट दुबई के डायरा में मौजूद है, जिसका नाम द गोल्ड शॉप। ये गोल्ड मार्केट लगभग 100 साल पुरानी है। इस मार्केट में आप 64 किलो सोने से बनी अंगूठी भी देख सकते हैं और इस अंगूठी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों 1995 में केवल एक ऊंची इमारत थी, पर आज 2022 में दुबई में 500 से भी ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हैं और इनसे दुगनी संख्या में बन रही हैं। दोस्तों दुनिया में जितने भी क्रेन्स हैं उनका लगभग 25% दुबई में काम होता है, ताकि जल्द से जल्द विकास को पूरा कर सकें। दोस्तों बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और ये बात सबको पता है, और इसके मालिक के बारे में आपको नहीं पता होगा। दोस्तों भारत के केरल में रहने वाले जॉर्ज बी नेरा पेरेम्बिल ने अकेले ही 22 फ्लैट्स खरीद रखे हैं और एक आदमी द्वारा बुर्ज खलीफा में खरीदे गए फ्लैटों की संख्या ये सबसे ज्यादा है। दोस्तों दुबई में आप अपनी गाड़ी गंदी होने पर सड़क पर नहीं ले जा सकते, और अगर आप अपनी गंदी गाड़ी के साथ सड़क पर पाए जाते हैं तो 200 धीरम जुर्माना देना पड़ेगा और एक धीरम भारतीय रुपए के 21 रुपए के बराबर बैठता है। दोस्तों दुबई में आज हर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि आप यहाँ जितनी मर्जी हो उतना पैसा कमाइए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, इसलिए यहाँ विदेशी नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है। दुबई के मूल निवासी तो केवल 15% हैं, बाकी यहाँ भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं और फिलिपिनी हैं और श्रीलंकाई हैं, और वहीं दूसरे देशों के लोग यहाँ रहते हैं। दोस्तों दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, जिसे दुबई मिरेकल गार्डन नाम दिया है। दोस्तों दुबई में एक से एक बढ़कर होटल्स मौजूद हैं, पर जब बात मात्र एक 7-स्टार होटल की जाए तो सिर्फ बुर्ज अल अरब की बात ही होती है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी होटल है। दोस्तों दुबई में रहने वाला हर मूल निवासी लगभग करोड़पति होता ही है, और अगर आप घूमने के शौकीन हैं और दौलत की कोई कमी नहीं है तो फिर दुबई सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड पाल्म जुमेरियन बीच है। यहाँ दुनिया का सबसे अनोखा शॉपिंग मॉल देखने को और घूमने को मिलता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई के 22 प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों साल 2019 में दुबई दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट द्वारा चौथे नंबर का पसंद किए जाने वाली जगह थी। यहाँ पर 1,60,00,000 टूरिस्ट घूमने आए, और दुबई आज के समय में सबसे ज्यादा पैसे अपने टूरिज्म से ही कमा रहा है। दोस्तों यहाँ एड्रेस बताने के लिए कोई पोस्टल कोड या जिप कोड नहीं होते, बल्कि दुबई होटल्स और बिल्डिंग्स का नाम बताकर एड्रेस बताया जाता है। दोस्तों आप दुबई के बस स्टैंड पर एसी लगी देख सकते हैं, और दुबई में क्राइम रेट ना के बराबर है, इसलिए रहने के लिए इसे सबसे सेफ माना जाता है। दोस्तों अगर आप कार्स के शौकीन हैं तो यहाँ आपको दुनिया की हर वो महंगी कार मिलेगी, जिसे यहाँ शेखों ने सोने की परतों से जड़ा हुआ। दोस्तों अगर आपको ये दुबई के बारे में वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में।